जी, जब 2013 में नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला था वजह क्या है। इस बार मिसलीड करने की क्या जरूरत थी? अगर नाराजगी थी तो साफ तौर पे बोल देते कि अब रिश्ता नहीं रहेगा आगे। देखिए, खुद की गलती है बताते नहीं। आप ये बात पूरे कायदे से समझ लीजिए। माननीय मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सुशील मोदी जी बहुत अच्छे नेता है और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुशील मोदी जी ने ही क्या कहा था, सुशील मोदी जी खुद ही पीएम मटेरियल बताए थे नीतीश कुमार जी को। आज मैं कोई नई बात नहीं है, और सुशील मोदी जी कितने खुश है ये आप भी जानती है। सुशील मोदी जी का पुनर्वास खत्म हो जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। वो जिस तरह से फ्रंट लाइन पे आए हैं, हम बहुत चाहेंगे कि बिहार में फिर से उनकी वापसी हो जाए, पुनर्वास हो जाए। बहुत अच्छे व्यक्ति है और नीतीश कुमार जी कभी कुछ छिपाते नहीं है। आपके साथ असहज महसूस कर रहे थे, एक एक जन जन को पता था, सबको मालूम था। ये खुद ही कह रहे थे कि आपकी कंस्पिरेसी को हम जान रहे हैं, तो फिर कैसे ये इनको नहीं लग रहा कि हम बाहर नहीं होंगे? ये तो एक तरफा बात कर रहे थे जी। और अगर वो 2020 में चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे तो 19 महीने क्यों चीफ मिनिस्टर रहे? जबरदस्ती इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं, लेकिन जब इन्होंने अति कर दिया। अगर जबरदस्ती की नहीं, सवाल है कि अगर जबरदस्ती करके बनाया तो आप एक महीना रहेंगे, दो महीना रहेंगे, 19 महीने आप उनके साथ थे? नहीं, समय का हम लोग बहुत ये किस तरह की जबरदस्ती है, इंतजार कर रहे थे कि ये सुधर जाए। पर ये तो कोई हद होती है ना, किसी को अपमानित करने की हद होती है। ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता नेता इनके जिस तरह का बयान दे रहे थे, आप खुद ही नाराजी सुन रही होंगी। हम वही तो कह रहे थे कि हम बड़े, इनसे बड़े दल में रहे हैं, पहली बार हमसे ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं, वो भी षड्यंत्र के साथ, षड्यंत्र करके बीजेपी okay. हमसे बड़ा दल बनी है। किशोर, द पॉइंट बीइंग मेड बाय सुशील मोदी हियर इज दैट नीतीश कुमार वांटेड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट only because he was not made the vice president, the BJP did not consider nominating him. That is the reason why he got angry and upset and he walked out of this alliance. Besides the point being made by the JDU, this is a completely new theory that is now coming out in the public domain by Sushil Modi. Okay, Sushil Kumar Modi ko log jante hain ki pure Bihar mein aur desh mein bhram phailane ke liye jane jate hain. इनकी सत्यता की क्या है? अगर यही बात थी तो ओपन फोरम पे ये डिस्कस होना चाहिए था। ये आज इस बात को कहना और एक नया थियरी देना, ये तो लोगों को फिर से गुमराह करने की बात है। देखिए, सच बात ये है कि पूरे देश में एक सूचना मिल रही थी इनके अपने राजनीति से कि ये विपक्ष को तो विपक्ष है, अपने साथ में जो लोग हैं उनको भी बर्बाद करने में नहीं चुकेंगे। इनको कौन नहीं जानता है कि चिराग पासवान को इस्तेमाल करके उसको खत्म कर दिया गया, वीआईपी को समाप्त कर दिया गया, कौन नहीं जानता है? और इनके जो भी सहयोगी दल रहे हैं, चाहे अकाली दल हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अभी जदयू, किसको ये बर्बाद करने का प्रयास नहीं किए हैं? तो ये बात ये नहीं है। द रियल रीजन इज दैट द इंटेंट ऑफ बीजेपी टू फिनिश द रीजनल पार्टी विच अकॉर्डिंग टू लालू यादव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज रीजनल पार्टी इज ओनली ओरिजिनल पार्टी इन दिस कंट्री विच रिफ्लेक्ट द इमोशंस ऑफ द पीपुल एट स्टेट लेवल। उसको समाप्त करने की अगर आप मंशा रखते हैं तो जो भी समाजवादी लोग हैं जिसमें नीतीश कुमार अग्रणी पंक्ति में आते हैं, वैसे लोग तो सजग होकर उसका जवाब देंगे, और वही जवाब देने का जो उनका संकल्प है वहां से वापस आने पर या बाहर निकलने पर बाध्य किया है। यह साधारण बात नहीं है कि जिस समय बीजेपी पूरे देश में लोगों को समाप्त करने का, दल को समाप्त करने का, नेतृत्व को समाप्त करने की ठान ली है, उस समय नीतीश कुमार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसका देशव्यापी असर पड़ेगा। और उन्होंने सही बोला है कि 2014 में आने वाले को सावधान होना चाहिए और मानना चाहिए कि 2024 उसके लिए आसान नहीं होगा। यह एक मूव है जो बिहार से शुरू हुआ है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि पूरे देश को, राजनीति को बदलने का वो मादा रखता है और उसने करके दिखाया है इतिहास में। इसको भूलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी को। For Sanjay Kumar. Sanjay Kumar, that vice president theory that is being now floated by the BJP, would you say that this is more of a damage control because of the kind of allegations that are being leveled against them by JDU? I don't think it is a damage control exercise by Sushil Modi. We don't know. I have no clue about what is the level of truth in this statement, but I
आई ऑल्सो डोंट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी बिकॉज देर वर सम गॉसिप्स अबाउट हाउ बीजेपी माइट मार्च फॉरवर्ड इन बिहार पॉलिटिक्स मे बी कंसिडर नीतीश कुमार एज द वाइस प्रेजिडेंट एंड देन ही कैन हैव बीजेपी कैन हैव हिज ओन मैन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार दे मे बी समथिंग इन दिस स्टेटमेंट बट आई थिंक आई डोंट completely rule out that this is a statement, this is a story which has been cooked overnight just to do the damage control. Okay, Sanjay Kumar, you know, I want to understand from you, Tejaswi Yadav rather interestingly said that we are part of the socialist movement and that is the reason why I have forgotten and forgiven what happened before 2017 or the entire, you know, that end of alliance of 2017. What does it actually mean? Can Bihar see an alliance of that nature or has Bihar really moved ahead? No, it means nothing. I think what are the two messages from whatever has happened in Bihar in the last couple of days? One, there are no permanent enemies and no permanent friend in Indian politics, which we have seen this happening in Absolutely. The last couple of days. We have seen this happening during last couple of years. Second, ideology has very little role to play in India's politics. When Nitish Kumar formed the government with BJP, was he on the right side of his ideology? Or now when Nitish Kumar has formed the government with Tejaswi Yadav, is he now on the right side of his ideology? We don't know. So ideology has very little role to play. So Tejaswi Yadav saying that, no, we have come together because we belong to the socialist family, I think it's absolutely wrong. That's not the reason why both of them are together. I think it's anti-Modi, pro-Modi. That is the politics of the present day time. And that is the politics which we are going to see up till 2024. All those people who are willing to oppose Narendra Modi as the Prime Minister, they are likely to come together not on ideological reasons, but just because they don't want BJP to be forming the next government in 2024. I think that's very well put when you say that this is just about pro-Modi and anti-Modi bloc with Prime Minister Narendra Modi remaining the centerpiece. Yes, please go ahead. Finish your point. Yes. Go ahead. Yeah. No, there are permanent enemies. You know, BJP has been our permanent enemy because there are ideologically polar opposites. There is no question of ever having a truck. So, I mean, of course, this sounds nice. No permanent enemies, no permanent friends. No, so you can, but it is not all. Have alliance with allies of the BJP, but you will not deal with the BJP. So you formed an alliance with the Uddhav Thackeray. That was fine. So you are forming an alliance and you'll run the government with an ally of the BJP, that is JDU. But yeah. BJP is not acceptable. So how is this an ideological decision rather than just pure politics of being pro-Modi and anti-Modi? That is just what it is right now. Yes, this is finally clearly to you, ideological. Dr. Navel Kishore, because yes. Yes, Dr. Naval Kishore. Yes, I have just enough time for you. Yeah, 30 seconds. Yes, देखिए अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं और नीतीश कुमार की बात करते हैं, ये आप क्यों भूल जाते हैं कि 1974 से लेकर 1994 तक और 2015 से लेकर 2017 तक लालू और नीतीश एक साथ थे? ये क्यों भूल जाते हैं? पूरे 74 के आंदोलन से लेकर और उसके बाद तक की राजनीति है, पूरा मंडल मूवमेंट का राजनीति है, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है. देयर आर परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स इन बिहार. आप कैसे भूल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक मिनट सुन लीजिए. आप कैसे भूल जाते हैं कि 2005 से नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तो वो सत्ता में भाजपा के साथ थे? नहीं, आप ये कैसे भूल जाते हैं कि पिछले तीन दशक में बिहार में जो राजनीति हुई है वो या तो प्रो लालू हुई है नहीं तो एंटी लालू हुई है. लालू हैज बीन द फलक्रम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार. वहां पर नरेंद्र मोदी कहां आते हैं? नरेंद्र मोदी 2015 में आए, बहुत बड़े हार के साथ भेजे गए. 2017 में भी सेकेंड 2020 में भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बने. कहां आप बिहार के राजनीति में प्रो मोदी और एंटी मोदी की बात करते हैं? दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स एनालिसिस.